हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पूरा पेरोल, यानी पेरोल सिस्टम जो आप टैली में सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी पेरोल में, जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आप करते हैं, इन सब चीज़ों को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पेरोल को। पेरोल को सीखने के लिए सबसे पहले टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वर्जन है उसे हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए टैली प्राइम का ये एडिट लॉग वर्जन है, इसी को हम ओपन कर रहे हैं और इसी पर हम एक कार्य करना है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए और जिस कंपनी में आपको पेरोल एक्टिवेट करना है और पेरोल को चलाना है या पेरोल के थ्रू सैलरी प्रोवाइड करनी है, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहां पर एक कंपनी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सपोज कीजिए ये ग्रोसरी शॉप है, इसी कंपनी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से हमें सीधा कहाँ चलना है, बाउचर में। तो बाउचर में जाने के लिए अभी भी प्रेस कर सकते हैं या वहाँ पर जैसे कि मैंने क्लिक किया वैसे क्लिक भी कर सकते हैं। तो अभी तो हम हैं पेमेंट बाउचर में, देख सकते हैं पेमेंट, यानी कि इसकी शॉर्टकट की होती है F5। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पेरोल अगर नजर ना आ रहा हो तो आपको यहाँ पर अदर बाउचर पे जाना चाहिए। तो ये देखिए अदर बाउचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए पेरोल नाम का कोई बाउचर नजर नहीं आ रहा है। हमें एंट्री तो पेरोल में ही करनी है, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा है। तो आपको शो इनएक्टिव पे जाना है, डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर और भी बाउचर्स ओपन होते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर पेरोल बाउचर्स का ऑप्शन है, आप इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl F4 भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिये ऊपर अटेंडेंस दिया गया है और नीचे है पेरोल, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट होगा तो हम पेरोल में आ जाएंगे, लेकिन पहले हमें कहाँ चलना है, पहले हमें अटेंडेंस में चलना है। वापिस चलते हैं भी प्रेस करके पेरोल और फिर हम अटेंडेंस में चलेंगे। तो यहाँ देखिए ये पेरोल है और ये अटेंडेंस है। तो पहले हमें क्या बनाना है, अटेंडेंस बनाना है, उन एम्प्लॉयज का अटेंडेंस बनाना है जिन एम्प्लॉयज को कि हम सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पर हम कैश में सैलरी देना सीखेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे। तो पहला जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसका नाम हमें देना है। तो मान लीजिए कि पहला एम्प्लॉय है रमेश, ठीक है, इनको हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इनको हम प्राइमरी में रख सकते हैं या इनका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक बार स्पेस बार प्रेस करना है और इम्प्लॉय का ग्रुप बना सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सेल्स का एक ग्रुप बना दिया, तो ये हो गए सेल्स के ग्रुप के, और अंडर प्राइमरी में डाल देंगे इसको और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहां पर आएंगे तो यहाँ पर तो हम सैलरी को डिफाइन करेंगे, तो इसको यस करना होगा आपको। यस करते ही इस तरह की एक विंडो आएगी। जब ये विंडो आएगी तो यहां पर अब आपको पेहेड्स बनाने होंगे। देखिए लिखा भी हुआ है लिस्ट ऑफ पेहेड्स। तो पहला जो पेहेड बनेगा वो किसका बनेगा, तो यहां से चलते हैं क्रिएट ऑप्शन पर और एंटर कर देते हैं। पहला जो पेहेड बनेगा वो बेसिक सैलरी का बनेगा। तो बेसिक सैलरी जो होती है इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती भी हैं, टीए जुड़ता है, डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, ठीक है, और भी चीजें जुड़ती हैं। तो उन सबको अलग हट करके बेसिक सैलरी आपकी होती है। ठीक है, यहां पर एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और ये जो है बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, तो यहाँ अर्निंग में डाल करके, और यहां पर मैं इसे फिक्स्ड रख रहा हूं। जैसे अगर बात करें कि डेली वेज पे जो मजदूरी करते हैं लोग, उन लोगों की जो बेसिक पे होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे फिक्स्ड ही रख रहा हूं। ऐसा समझ के चलिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस तरह का आपको बनाना हो तो आप यहां से बना सकते हैं। तो फिक्स्ड रखते हुए आगे बढ़िएगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में आती है। क्या आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में। यहां पर आपको बेसिक सैलरी ही रखना है। ग्रेजुएटी कैलकुलेट करना चाहते हैं या नहीं, अगर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। बाकी यहां पर कैलकुलेशन का टाइप क्या रहेगा आपका, तो कैलकुलेशन का टाइप हम रखेंगे ऑन अटेंडेंस। जैसे ही ऑन अटेंडेंस रखते हैं तो लीव का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट फॉर्म रहती है तो लीव का पैसा कट जाता है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूं, लीव विदाउट पे। तो लीव विदाउट पे में यहां पर हम ऑल्ट सी करके बना लेंगे लीव नाम से एक बना लेते हैं और एंटर करके यहां पे आएंगे और एंटर कर लेंगे। ये डेज के हिसाब से कटेगा और ये जो सैलरी पीरियड होगा वो मंथली होगा, यानी मंथली हम कैलकुलेट करेंगे एज कैलेंडर पीरियड रखते हुए। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब किसी की बेसिक सैलरी, यानी इनकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, तो मान लीजिए यहाँ पे बेसिक सैलरी है 20,000, तो यहाँ 20,000 हमने दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ फिर वापिस क्रिएट पे चलेंगे और क्रिएट पे चलेंगे तो यहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे एचआरए बना रहा हूं पहले। ध्यान दीजिएगा ये भी एक प्रकार का अर्निंग ही होता है और ये भी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है,
और यहां पर ये भी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही, और यहां पर जब आते हैं तो ये क्या होगा, ये कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे हम यहां पर, और इसे नॉर्मल राउंडिंग करके यहां पर जब आएंगे तो ऑन करंट अर्निंग है, यहां पर हम रखेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और बेसिक सैलरी का कितना परसेंट जो है आपका ये बनेगा एचआरए बनेगा, ये हमको देना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो है बेसिक सैलरी अगर 15,000 तक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर 15,000 देना हूं, तो परसेंटेज कितना बनेगा, 2% जो है एक तरह से कह लीजिए कि आपका एचआरए बनेगा, ठीक है। और 15,000 से चाहे जितना ऊपर हो यहां 5% बनेगा, ये हमने दे दिया, ये क्राइटेरिया मैंने दे दी और इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये एचआरए हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इससे। अब कैलकुलेट होगा कि नहीं वो तो जब सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। यहां से आएंगे तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद यहां पर एचआरए के बाद हम बनाएंगे टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस, एंटर करेंगे, ये भी अर्निंग होगा, ये भी फिक्स रहेगा और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में आएगा, और यहां आकर के इसको भी कर देंगे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडिंग, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला इसको भी हम रखने वाले हैं, यानी बेसिक पे का कितना परसेंट। अब देखिए बेसिक पे अगर 15,000 है, 15,000 तक है, तो यहां पर परसेंटेज वैल्यू हम क्या दे देते हैं, 1.5% टीए बनेगा, ठीक है। और उससे ज्यादा है तो यहां पर परसेंटेज वैल्यू दे देते हैं 3.5%। यहां पे देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी के साथ मैंने दे दिया। इसके बाद अब हम क्या देंगे, डीए देंगे, यानी डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं, तो यहां पर डियरनेस अलाउंस के लिए डीए कर दिया, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर आएंगे फिक्स रखेंगे इसको भी, आप चाहे तो वेरिएबल भी कर सकते हैं, यहां पर आकर के और इसको भी क्या रखेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू, और यहां पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग, और फिर वही कि हम बेसिक सैलरी के बेस पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत ये कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर आएंगे तो वही बेसिक सैलरी 15,000 तक है, ठीक है। तो यहां पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वैल्यू नहीं दे सकते। तो बेसिक सैलरी अगर 15,000 तक है तो ये जो बनेगा वो मान लीजिए कि 4,000 रुपए बन जाएगा, ठीक है। और अगर 15,000 से ज्यादा है तो यहां पर वैल्यू क्या दे देंगे, 5,000 दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये दे दिया और यहां पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अगर सैलरी में पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो यहां एक पीएफ का भी बनाएंगे, यानी प्रोविडेंट फंड के लिए भी बनाएंगे। तो ये हो गया प्रोविडेंट फंड, और यहां पर एंटर करके नीचे आइएगा, नीचे आइएगा, और इसको भी क्या रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रख देना है, ठीक है। और जैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे तो कंप्यूटेड वैल्यू रखते हुए नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये भी जाएगा किसके तहत, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और फिर वही चीज की अगर बेसिक पे 15,000 तक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं हर बार यही देता चला जा रहा हूं। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसको अगर मैं अर्निंग में रख लूंगा, ये अर्निंग तो है नहीं, ठीक है, ये अर्निंग नहीं है, ये डिडक्शन है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये डिडक्शन है, लेकिन किस प्रकार का डिडक्शन है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये अर्निंग नहीं है, ये डिडक्शन है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे, और ये यहां पर होगा क्या, करंट लायबिलिटी, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, मेरी तरह गलती मत करिएगा, यहां पर करिएगा करंट लायबिलिटी, और यहां पर एंटर करते हुए आइएगा, और एंटर करते हुए आइएगा। अब बस बाकी की चीजें तो वही रहेंगी, अगर बेसिक सैलरी 15,000 है तो कितना परसेंट कटेगा, तो इस स्थिति में मैं 5% ही काट रहा हूं, ठीक है। और 15,000 से चाहे जितना ऊपर हो यहां पे 15% में कर दे रहा हूं, ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये हमारा टीएफ भी डिडक्ट हो गया। अब यहां पर एंटर करेंगे, इंप्लॉय का नंबर डाल देंगे, जो इंप्लॉय का नंबर हो वो डाल दीजिएगा, डेजिग्नेशन ये क्या है वो डाल दीजिएगा। तो ये ऑपरेटर है, यहां पे लिख देता हूं ऑपरेटर, इस तरीके से ऑपरेटर लिख दिया, एंटर किया। बाकी फंक्शन क्या है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, तो यहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर डाल दीजिएगा, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। लोकेशन देवरिया की है, तो यहां DEORIA देवरिया एंटर करिएगा। जेंडर यहां मेल है, एंटर करिएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर दीजिएगा, बाकी सारी डिटेल भरते हुए यहां पे पैन नंबर और जो भी इनका हो सब कुछ भरते हुए एंटर कर लीजिएगा। लीव इन्होंने कितना दिन लिया है, जैसे 4 दिन ये लीव पे रहे हैं तो 4 दिन की सैलरी डिडक्ट होगी कि नहीं होगी। और फिर यहां पर अगर ओवर टाइम किया हो तो ओवर टाइम के लिए तो मैंने बनाया नहीं है फिलहाल, तो इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। जब ये एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो फिर हमें कहां चलना है, अदर वाउचर में, पेरोल वाउचर में चलना है। तो ये आ गए पेरोल वाउचर में, आप कंट्रोल F4 प्रेस करके भी जा सकते हैं। हम कैश में इनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है कि हमारे पास कैश ना हो तो ऐसे में नेगेटिव कैश आ सकता है,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम फिलहाल तो सैलरी प्रोवाइड करेंगे। और यहां पर एक ऑप्शन नजर आएगा ऑटोफिल, यहां ऐप के नीचे दो लाइन बनी हुई है, तो यानी कि ये बटन आपको शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल के साथ दबाना है, कंट्रोल F, ठीक है। तो ये किया तो पेरोल ऑटोफिल आ गया। अब ये हम सैलरी दे रहे हैं तो यहां पे सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पे 31 वाला डेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 1/6/2024 कर देते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, रमेश को, तो यहां से रमेश को सेलेक्ट कीजिएगा, एम्प्लॉय नेम के बेस पे आएगा और ये कैश में हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि टीए कितना बना, डीए कितना बना, पीएफ कितना डिडक्ट हुआ, सब कुछ कट फिट के कितनी सैलरी इनकी बन रही है और कितना जुड़ रहा है आपका एचआरए, वो जुड़ करके सैलरी कितनी बन रही है इनकी, वो यहां पर आपको नजर आ रहा है नीचे 24,770.50। देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये करना है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर हमको देखना होगा पे स्लिप, पे स्लिप देखने के लिए हम कहां जाएंगे, तो पे स्लिप को देखने के लिए हम जाएंगे यहां से बाहर और यहां पर क्या प्रेस करना है आपको, यहां पर आपको प्रेस करना है डी, केवल डी प्रेस करना है। डी प्रेस करते ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ओपन होगा और जैसे ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ओपन होगा तो यहां पर हमें कहां चलना है, यहां पर हमें चलना है नीचे पेरोल रिपोर्ट्स पर। देखिए नीचे आपको पेरोल रिपोर्ट्स नजर आ रहा होगा, यहां पर आइए, ये देखिए ये पेरोल रिपोर्ट्स है, जाकर एंटर प्रेस कीजिएगा और यहां पर एंटर कर दीजिएगा। तो हमें रमेश की सैलरी देखनी है, रमेश को नेविगेशन की मदद से सेलेक्ट कीजिएगा, लीजिए यहां पर पूरा डिटेल आपका हाजिर है, ठीक है, देख सकते हैं इसको। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ पी प्रेस कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू देखना होगा, तो ये प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहां पर ये पे स्लिप जनरेट होती हुई आपको नजर आएगी। उम्मीद करता हूं कि सारे पे हेड्स बनाने आपको समझ में आए होंगे। ये भी देख लीजिए जरा, ये सेक्शन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डिडक्शन, यानी पीएफ अगर आप दे रहे हैं तो वो डिडक्शन ही होगा, जब तक आप करंट लाइबिलिटी में इसे नहीं डालेंगे तब तक डिडक्शन नहीं होगा आपका। तो ये तो जुड़ेगा, ये तो टोटल अर्निंग हो गई आपकी, लेकिन डिडक्शन जो होगा वो पीएफ होगा, तो पीएफ डिडक्शन यहां लिखा भी हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं क्लियरली। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।